કેમ છો બધા? તો આજ હમ કરને વાલે હૈ પ્રોબેબિલિટી કા એક્ઝામ્પલ. તો દેખતે હૈ એક્ઝામ્પલ હમકો દિયા હુઆ હૈ સ્ટેટ વિથ રીઝન વેધર ધ ફોલોઈંગ રિપ્રેઝન્ટ અ પ્રોબેબિલિટી માસ ફંક્શન ઓફ અ રેન્ડમ વેરિયેબલ. યહાં પે હમકો સિમ્પલી ક્યા કરના હૈ, યહાં પે હમકો તીન ટેબલ દિયે હુએ હૈ, ઉસમે હમકો ફાઇન્ડ કરના હૈ પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કેસે હોગા કે યહાં પે जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है उसको हम सिंपली क्या करना है, उसका समेशन करना है. अगर उसकी वैल्यू हमको 1 मिली तो वो रिप्रेजेंट करता है मास फंक्शन को, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को. अगर उसकी वैल्यू हमको लेस देन 0 मिली या ग्रेटर देन 0 मिली तो वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा. तो देखते हैं उसका समेशन कैसे होगा. सबसे पहले तो ले लेते हैं फर्स्ट टेबल के लिए. तो समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, तो हमको समेशन करना है सिंपली 0.4 प्लस 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.1. तो यहाँ पे हमका समेशन हो जाएगा हमारा 1. तो यानी कि ये पहला वाला फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, हमको क्या मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ x के लिए हमको वैल्यू मिली प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की 1. तो हम लिख सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. सेम टू सेम हमको करना है सेकेंड के लिए. तो सेकेंड टेबल के लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के लिए सबका समेशन हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/4. तो इसका लसा हो जाएगा 12. तो यहाँ पे हमको मिलेगा 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 12, 15 अपॉन 12, 3 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 3, 3 कैंसिल, तो हमको मिला 5 अपॉन 4 जो कि है ग्रेटर देन 1. यानी कि इट डज नॉट रिप्रेजेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. थर्ड के लिए क्या होगा वो देखते हैं हम. थर्ड में यहाँ पे हमको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी, हमको दी हुई है -1/2. पर हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी कोई भी फंक्शन की माइनस में नहीं हो सकती, इसके लिए ये वाला भी नहीं रिप्रेजेंट करेगा एज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के रूप में. अगर आपको माइनस के रूप में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन